बॉटल का पानी भी नहीं हिल रहा है, हमारा हाथ है इसके ऊपर, ये बिल्कुल भी इसका पानी नहीं हिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही साइलेंट किसान भाइयों को नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बैंक पर। आज हम पहुंचे हुए हैं, लोड पहुंचे हैं, यहाँ पे किसान मेला लगा हुआ है, दूसरा बहुत बड़ा पंजाब का जो किसान मेला है वो आज यहाँ लगा हुआ है। और यहाँ पे कम से कम आज 50 से 100 कंपनीज वाले या एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हैं और किसान हैं, कम से कम 10,000 प्लस किसान यहाँ पे आज पहुँचे हुए हैं। तो आज कुछ इस मेले में आपको हम मिलाएंगे, अलग अलग चीज़ें दिखाएंगे आपको जो खेती से जुड़ी, खेती से संबंधित चीज़ें हैं। तो आज हम अभी पहुँचे हैं, ये ट्रैक्टर कंपनी है कुबोटा, जो कि एक जापानी कंपनी है सर, जापान की कंपनी है, जापान की कंपनी, ठीक है जी। तो हम यहाँ पहुँचे आज, अभी हमारे पास ट्रैक्टर है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे भाई किस किसान के लिए काम का है, किस किसान भाई के काम का नहीं है, तो उस हिसाब से आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। कृपया वीडियो में बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें। नमस्कार सर, मेरा नाम जितेंद्र ढिल्लों है और मैं बीदवाली ट्रेडर्स यहाँ पर मलोड में और मुक्तसर में हमारी ये डीलरशिप है कुबोटा की। हमारा जो MU 4501 है वो 45 HP में आता है और 2 स्पीड में आता है, जापानी टेक्निक है, बिल्कुल सारा टोटल जापान का बना हुआ ट्रैक्टर है। और इसमें वो किसान है जो छोटे किसान है, 15 एकड़ वाले, 10 एकड़ वाले, उनके लिए बहुत बेस्ट है और डीजल का खर्चा इसका बहुत कम है, मान के चलो आम जो ट्रैक्टर है। और जो कमर्शियल यूज़ करते हैं उनके लिए तो एक वरदान है, मतलब डीजल बचेगा तो पैसा ज़्यादा आएगा। ये भी होता ना, किसान कमर्शियल भी यूज़ करता है और एक किसान है तो अपने वो खेत के लिए भी उसको यूज़ करता है, तो उसके लिए बताइए भाई खेती वाले बंदे के लिए ज़्यादा बढ़िया है या कमर्शियल के लिए ज़्यादा बढ़िया है? ये MU का मतलब है मल्टी यूटिलिटी, हर एक काम के लिए, हर एक किसान के लिए जो कमर्शियल काम करता है या खेती करता है, सभी के लिए बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। और जो भी किसान देख रहे हैं वो, उनको मैं ये अपील करूंगा कि आप नज़दीकी डीलरशिप पे जाएं और इस ट्रैक्टर को चला के देखें सबसे पहले, ठीक है। बहुत ही मतलब 45 HP में फ्लाइट डेक है जो, ठीक है, कोई ज़्यादा हीट नहीं आती किसान को, ठीक है, चलाने में कंफर्टेबल है। जो किसान 10 घंटे चलाता है वो 14 घंटे चलाएगा, ठीक है, ज़्यादा कमाई करेगा और डीजल बचाएगा। इसके बारे में हमने एक ये भी सुना है कि ये सबसे साइलेंट ट्रैक्टर माना जाता है, ट्रैक्टरों के मामले में ये सबसे साइलेंट ट्रैक्टर है, मतलब इसकी, मतलब अगर आप इस पे अपने बैठेंगे तो कहने का मतलब है भाई अपने पेट का पानी भी नहीं लेगा। हाँ, कार जैसे कार चलाता ना आदमी वैसे ही ट्रैक्टर चलाता है जी। और हमारे भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे साइलेंट ट्रैक्टर है, वाइब्रेशन फ्री ट्रैक्टर। वाइब्रेशन हमने नॉर्मल देखा, ये ट्रैक्टर अभी स्टार्ट करके भी दिखाएंगे आपको, तो हमने नॉर्मल देखा है अभी ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं वो पूरी तरह से कंपन करने लग जाता है, मतलब इतना उसमें वाइब्रेशन होता है भी, अगर आप उस पर कोई भी चीज़ रखेंगे या हाथ रखेंगे आपको कंपन, बैठेंगे आपको महसूस होगा, या थोड़ी सी ज़्यादा आपकी अगर ट्रैक्टर की स्पीड ज़्यादा होगी थोड़ी सी तो आपको महसूस होगा कि आपको कंपन महसूस होगी अपनी बॉडी के अंदर। तो इस ट्रैक्टर के बारे में ये भी मान्यता है कि ये देश का सबसे साइलेंट ट्रैक्टर माना जाता है, और इसको भी हम आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो चलिए दिखा सर, थोड़ा स्टार्ट करके दिखा दीजिए। जैसे कार में ब्लेंसर शाफ्ट आती है ना इंजन में, जी जी, वैसा डिज़ाइन है, ब्लेंसर शाफ्ट दी हुई है, दोनों तरफ उल्टा घूमती है ब्लेंसर शाफ्ट, और जो कंपन है कंपन को रोक देती है वो ब्लेंसर शाफ्ट। और ट्रैक्टर में किसी में ये भारत में डिज़ाइन नहीं आता, मतलब जो चीज़ कार के अंदर अपनों को फील होती है वो इसी के अंदर होगी। हाँ बिल्कुल, अगर किसान 10 घंटे काम करता है खेत के अंदर तो वो अगर इस ट्रैक्टर में बैठा होगा तो वो 10 से 12 घंटे 14 घंटे काम करेगा। 14 घंटे काम करके भी उतरेगा तो उस किसान को फील नहीं होगा कि मैं ट्रैक्टर चला के उतरा हूँ, थकावट बिल्कुल नहीं होगी। ये तो बहुत बढ़िया तकनीक है सर। थोड़ा सा इंजन का, इसका स्पेसिफिकेशन आप बताइए हमें भाई, इंजन इसका कितने हॉर्स पावर का इंजन है
डीजल इंजन है तो कितने डीजल की खपत होती है ये, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। इसमें 45 एचपी का चार सिलेंडर और 2434 सीसी का इसमें इंजन लगा हुआ है और इसमें 45 एचपी में तकरीबन और किसी कंपनी में चार सिलेंडर इंजन नहीं दिया हुआ। अच्छा, चार सिलेंडर इंजन है। हाँ, और 90 डिग्री पे बोलते हैं उसको, न्यूजल लगी हुई है जी जी। और जो क्यू कार फोर पिस्टन है, छोटे पिस्टनों वाला, उस ट्रैक्टर वाइब्रेशन कम करता है, ठीक है, डीजल बजाता है, डीजल का मेन ये बात है। अगर हम बोल दें, तकरीबन मान्यता है कि जो आयशर का ट्रैक्टर है, सिंगल आयशर है, उतना देर डीजल लेता है और काम ये 50 एचपी का करता है। जो भी किसान हमारे है, भाई हैं, जो जिन्हें हमें दिया हुआ 45.01, वो सभी इससे बहुत खुश हैं। सर, इससे ऊपर भी कोई मॉडल इसके अंदर आपके अंदर आता है क्या, कुबोटा के अंदर? इससे कुबोटा के कोई... इससे आगे आता है 55.01, ठीक है जी, वो 2 स्पीड है। ये 4x4 है? हाँ, ये 4x4 है, ठीक है। 14 के टायर है, मगर पिछले टायर 14 के दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। और एक और है, कमर्शियल काम करते हैं किसान, सड़कों पे चलाते हैं, दूसरे ट्रैक्टर जंप करते हैं, इसका बैलेंस इतना अच्छा दिया हुआ है कि बिल्कुल कार जैसे चलता है। तो सर, इसका थोड़ा सा वेट के बारे में बताओगे, इसका वेट कितना होता है? वेट ये 22.5 क्विंटल का है, ठीक है, ठीक है। इसमें इससे बड़ा आता है 55.02 फोर व्हील, वो भी हमारे पास है जी। और बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, बाइबल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तकरीबन साउथ इंडिया में देखा, किसानों ने देखा भी है, साउथ इंडिया में जो चलते हैं 45.01 या L4508 चलता है हमारा, ठीक है। बिल्कुल शील्ड हिस्सा दिया हुआ है, पानी में ही चलते हैं वहाँ पे, पानी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो पंजाब में चल रहा है, पंजाब में भी ये दिक्कत, पानी वाली, पानी वाली, हाँ, पानी के अंदर, मतलब क्योंकि यहाँ जोने का विज्ञान ज़्यादा होता है तो उस वजह से पानी के अंदर भी बढ़िया काम करता है, ठीक है सर। मेंटेनेंस भी कम है किसान की, हाँ, मेंटेनेंस का भी होता है सर, मतलब इसकी मेंटेनेंस का कॉस्ट कम आता है, होता ही नहीं कुछ, होता ही नहीं इसको, ठीक है सर। तो कंपनी वारंटी इसकी कितने साल की रहती है? 5 साल और 5,000 के अंदर, ठीक है। और इसमें आपको सर्विस कितनी देंगे? सर्विस 5 साल तक सर्विस जो कर, लेबर फ्री है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और किसान, एक बढ़िया बात ये है, किसान को डीलरशिप पे ले आना नहीं पड़ेगा ट्रैक्टर, उसके घर में ही सर्विस मिलेगी। अच्छा, घर में ही सर्विस हो जाएगी। और एक चीज़ ये भी ज़रूरी है भाई, आपकी डीलरशिप है तो सर्विस का क्या एक्सपीरियंस है भाई, आपके हर सिटी के अंदर या हर जगह आपके सर्विस सेंटर अवेलेबल है या नहीं है? बिल्कुल, पंजाब में अभी एक दो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के सभी पंजाब, पूरे पंजाब में हमारे सर्विस सेंटर। हाँ, वो जो एक दो जगह नहीं है तो वो आप हम यहाँ ही कर देते हैं, जैसे हमारे साथ वाला जिला है, हम ही सर्विस देते हैं वहाँ पे, काफ़ी ट्रैक्टर हम सर्विस देते हैं, ठीक है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें जानकारी दी, किसान भाइयों को जानकारी दी। थोड़ा आप डीलरशिप का अपना बता दीजिए, यहाँ पे आपकी जो पंजाब में डीलरशिप है उसके बारे में बता दीजिए। हमारे पंजाब में जी मुक्तसर जिला एक, ठीक है सर, वहाँ पे सारा टोटल जिला ही हमारे पास है, ठीक है सर। और हमारी 2 डीलरशिप हैं वहाँ पे, तहसील मलोट में है मेन डीलरशिप और हमारी मुक्तसर में। जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। तो धन्यवाद किसान भाइयों, ये आज हमने आपको कुबोटा ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दी। ये ट्रैक्टर जापानी टेक्नोलॉजी से बना है और इसके अंदर आपको एक तो दोनों आप कमर्शियल भी यूज़ कर सकते हो, खेत में भी यूज़ कर सकते हो और मल्टी काम ये करता है। उसके बाद अभी पंजाब में हम देख रहे हैं तो खेती ज़्यादा, धोने की खेती ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा है, तो ये पानी में भी अच्छे से काम करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनका हम नंबर भी प्रोवाइड करवा देंगे, कार्ड ले लेंगे हम इनसे। तो आपको किसी को, अगर किसान भाई को ट्रैक्टर लेना हो तो आप इनकी डीलरशिप से ले सकते हैं। और इस ट्रैक्टर को मैं प्रिपेयर करूँगा उन किसान भाइयों के लिए जो कम ज़मीन है, जिनके पास थोड़ी ज़मीन है, थोड़ी ज़मीन है, तो उनके लिए ट्रैक्टर ये सबसे बेस्ट रहेगा। जो एग्रीकल्चर के साथ साथ कमर्शियल काम करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया ट्रैक्टर, जो कमर्शियल काम भी करते हैं और साथ में थोड़ी बहुत अपनी खेती का भी कार्य करते हैं, तो उसके लिए ट्रैक्टर सबसे बढ़िया रहेगा। तो किसान भाइयों, धन्यवाद जुड़ने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई आपके सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके हमें बता सकते हो। जय जवान जय किसान, धन्यवाद। थैंक यू सर।